अगर आपके पास व्हीकल है और आप टोल बूथ से हमेशा गुजरते हैं और आपके पास फास्टैग भी है, तो फास्टैग के कुछ नियम हैं जो आपको नहीं पता होंगे, आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और सेव करके रख लें फ्यूचर में, ताकि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो आपका कैश, आपका पैसा बच सके। नंबर वन, अगर किसी भी वजह से आपका फास्टैग स्कैन नहीं होता है तो ये आपकी फॉल्ट नहीं है, आप बिना पैसा दिए टोल से गुजर सकते हैं। ये टेक्निकल फॉल्ट है, उनका फॉल्ट है, आपको अलग से टोल देने की जरूरत नहीं है। नंबर टू, 10 सेकंड से ज्यादा आपके व्हीकल को नहीं रोका जा सकता फास्टैग को स्कैन करने के लिए। अगर 10 सेकंड से ज्यादा आप रुक रहे हैं तो भी आपको कैश देने की या पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। नंबर थ्री, एक पीले रंग की पट्टी हमेशा टोल बूथ पर आपने नोटिस की होगी, वो बनी होती है 100 मीटर के दायरे में, यानी कि अगर जो कतार है टोल बूथ पर आपकी, उसमें 100 मीटर की दूरी पर आप खड़े रहते हैं। अगर उससे ज्यादा दूरी पर अगर आपको खड़ा होना पड़ता है, उस पीली पट्टी के बाहर खड़ा होना पड़ता है, तो आप उधर से भी निकल सकते हैं, मतलब आप सीधा जा सकते हैं और आपको फास्टैग से